एकदम यही वो जगह है जहाँ सारस को रखा गया है। यहाँ एक सारस नहीं है, देखिए एक दो तीन और भी हैं। कोशिश करते हैं आपको वो सारस मिलाने की जो आर्य के पास था। वैसे यहाँ पर बहुत सारे सारस हैं, आप देख सकते हैं वो उधर खाना खा रहा है, और जो आरिफ वाला सारस से सुना है दो दिन से भोजन नहीं कर रहा था। तो इस आरफ से सारस से हम दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सारस हमसे दोस्ती कर सकता है। सारस हेलो हेलो नाच, देखिए हम सारे रिएक्शन दे रहे हैं लेकिन फिर भी ये सारस रिएक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि इसको अभी हमसे प्यार नहीं है। लेकिन आरिफ का जो सारस था, आरिफ के बोलने पर अगर उसने बोल दिया कि डांस करो, आओ इधर आओ 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 आओ, तो वो तुरंत डांस करता था, आता था उसके पास, उड़ता था। मैंने वीडियो भी आपको बना के दिया, मेरे सामने खुद उड़ा था वो, नाचा था मेरे सामने ऐसे ऐसे करके, समझे कितना खुश था। और आज वो दो दिन से भोजन नहीं कर रहा। तो मैं आपको बता दूँ ये वही जगह जहाँ पर रखा गया था पहले, लेकिन अब उसकी दो दिन से तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो उसको यहाँ से शायद मेडिकल हॉस्पिटल जो होते हैं वन विभाग का, वहाँ पर उसको रखा गया है और किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। और भी सारस हैं यहाँ पर, और भी दिखाते हैं, उधर चलिए आइए आइए और आगे आइए, देखते हैं कोशिश करते हैं शायद ओरिजिनल सारस मिल जाए। साथ यहाँ पर मुरैले भी हैं जिनको बोलते हैं मोर, मोर को भी लोग पाले हैं। काफ़ी सारी वीडियोज भी वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे कि हमारे जो प्रदेश के प्रधानमंत्री उन्होंने भी उनको खिलाते हुए चलिए मेन सारस की बात करते हैं। और तो हमें तो दो ही सारस दिख रहे हैं यहाँ पर, तीन है। इधर बाबा जी इधर ये देखिए, ये यहाँ पर एक खड़ा हुआ है, ये तो सारस है नहीं। ये देखिए कहाँ जा रहा है, इधर दिखाइए थोड़ा सा सारस को। ये देखिए इसका पैर देखिए, पैर देखिए, ये तो नहीं है आरिफ का सारस। जूम करिए साफ सही हो गया हो और वन विभाग की टीम यहाँ रख दिया हो पहले। हाँ पैर और जूम करिए, पैर दिखाइए, पैर 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 दिखाइए और सही से पैर दिखाइए। ये भी नहीं लग रहा कि उसका जो राइट हैंड वाला पैर था वो वाला डैमेज था। ये भी सारस नहीं है आरिफ वाला जिसकी हम बात कर रहे थे। तो मतलब कि कंफर्म देखिए, ये भी उड़ रहा है यहाँ पर। तो फाइनली अब ये डिसीजन आ चुका है कि भैया पूरी तरीके से कैद करके जो रखा गया यहाँ पर पक्षियों को, जो कि वन विभाग में, और आरिफ का जो सारस है वो तो हमें दिखा नहीं यहाँ पर। और आगे चल के देखते हैं क्योंकि हम लोग वहीं पर हैं, पक्षी बिहार में, सुल्तानपुर में हैं। कोशिश करते हैं और आगे चलने की। मुरैला नाच रहा है भाई, मोर मुरैला जो है वो मुरैला जो देखो नाच रहा था। सर के ऊपर देखो एक चाय, ये देखो ऊपर, ये देखिए एक यहाँ पर बैठा हुआ ऊपर, और दिखाइए इधर आइए इधर आइए। वाह बाबा जी इधर आइए, भगवान बताया और गाइस ने बर्थडे में कितने सारे बता के कोई डर के नहीं सारे बड़े वाले नहीं। आइए आइए आइए, देखिए यहाँ पर इधर भी सारस नहीं है कहीं। आरिफ वाले सारस की शायद हम भी उससे दोस्ती कर सकते हैं। ये देखिए एक मुरैला यहाँ पर नाचता हुआ है, ये देखिए हमारा ये प्रदेशी नहीं है, राष्ट्रीय पक्षी है। ये देखिए किस तरीके से नाच दिखाता हुआ, पहली बार आप इसको देख पा रहे होंगे। और देखिए अभी देखिए कैसे नाच रहा है, ये इसकी दास्ता देखिए, गौर से दिखाइए और जूम करके दिखाइए, पीछे से दिखाइए, देखिए किस तरीके से डांस कर रहा है। ये देखिए कभी आपने मुरैला नाचते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन हम लोग हैं जो गाँव से बिलोंग करते हैं। देखिए किस तरीके से नाच रहा है, देखिए अंदाज देखिए इस मुरैले का किस तरीके से। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर इसको बोलते हैं। और देखिए किस तरीके से डांस करता हुआ, वाह क्या नज़ारे हैं, ऐसे नज़ारे आपने कभी देखे हैं? तुम्हारा हाथ ही लगता है